दोस्तों, इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई है। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है और गुस्से में आके उन्होंने इंडिया कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है। एक और बड़ी डेवलपमेंट के भारतीय जो वजीर खारजा हैं वो आ रहे हैं अपने डेलीगेशन के साथ। चाइना के वजीर आजम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकलता देख के बैरूनी दुश्मनों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब का एक वक्तव्य आया था पीछे, तो उनसे भी पूछा गया कुछ देर पहले कि आर यू ऑल सेट फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा दैट 24 आवर्स टू गो। तो मतलब क्या डॉक्टर साहब जाएंगे नहीं जाएंगे एंड मिनट पे वो कितने से ये जो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं ना, जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं मुझे परवाह क्यों नहीं है। बेसिकली तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना, मुझे नहीं यार परवाह, मैं पाकिस्तान जाऊं ना जाऊं, अभी 24 घंटे हैं, मेरा माइंड बदल सकता है, मेरा मूड बदल सकता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई परवाह नहीं है, स्टिल 24 आवर्स टू गो। हमने देखा पिछले साल भी जब गोवा में हुआ तो थोड़ा रंग में भंग हो गया, जब जो भारतीय वजीर खारजा की एक सख्त लाइन होती है उन्होंने वो ली। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान की मेजबानी में कुछ सख्त अल्फाज हों? इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर ही इज ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन जो इंडिया कनाडा ने की है। नरेंद्र मोदी यानी जो पाकिस्तान के बारे में उसके जो ख्यालात हैं और उसका एक कट्टर पाकिस्तान मुखालिफ जयशंकर पाकिस्तान आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई वो सख्त अल्फाज बोलेगा, कुछ ऐसी बातें करेगा जो मुतनाज़े होंगी। पाकिस्तान ने विड्रॉ किया था अपना हाई कमिश्नर, इसके बाद हिंदुस्तान ने भी वापस बुला लिया। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, पिछले एक दो सालों से इंडिया कनाडा के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं और इसका कारण एक ही है, जस्टिन ट्रूडी की डर्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन अब तो कनाडा ने हद ही पार कर दी जब उन्होंने इंडियन एम्बेसडर को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इतना सख्त जवाब दिया है कनाडा को कि उनके आने वाले पुश्त याद रखेंगी। 20 मिनट्स के अंदर कैनेडियन एम्बेसडर टू इंडिया को समन किया गया और उन्हें इंडिया से निकाल दिया गया। और पाकिस्तान के बाद कनाडा ही एक ऐसा देश बन गया है जिसके साथ भारत के रिश्ते इस हद तक खराब हो चुके हैं कि दोनों देश एक दूसरे के एम्बेसडर्स को समन कर रहे हैं। वैसे भी हम सबको पता है कि कनाडा को अमेरिका का फुल सपोर्ट है और भारत पर प्रेशर डालने के लिए ही अमेरिका ये षड्यंत्र रच रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पीछे कुछ घंटों में बहुत ज्यादा तबाही मच रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप समझिए तो मतलब तूफान आ गया है, नॉट वेदर वाला तूफान, वैसे तूफान। देखिए पहले इन्होंने क्या कर दिया, ये एससीओ से इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने 13 तारीख से ही इस्लामाबाद रावलपिंडी वगैरह पे लगा दिए प्रतिबंध। पहली बात है दफा 144 लगी है, इनके 4 लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते, पहली बात तो ये रही। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, कल और परसों जब एससीओ होगा वहां छुट्टी घोषित कर दी गई है, ऑफिशियल अच्छा। छुट्टी स्कूल कॉलेज से बंद है, आप कहीं नहीं, सब बिजनेस बंद है, कोई काम नहीं होगा, 144 है सर, आप कहीं नहीं जा सकते। तीसरी बात, आर्मी के 10,000 जवान, इनके जवान, इनके पता नहीं जवान होते बुड्ढे होते जो भी है, इनके 10,000 पर्सनल और एसएसजी के कमांडो को डिप्लॉय कर दिया गया है, पुलिस को आर्मी के अंडर कर दिया गया, पुलिस वाले इंस्ट्रक्शन लेंगे आर्मी से क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी होटल में कोई गेस्ट नहीं हो सकता, कोई शादी नहीं हो सकती इन दिनों, कोई गेस्ट हाउस में नहीं रह सकता, कोई धर्मशाला टाइप जो भी है इनके मदरसों में वो नहीं रह सकता, और अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप कोई व्यवसाय चलाते तो आपको एक अंडरटेकिंग लेके देनी है, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो भी लोग आपके साथ ठहरे या काम करो उन सबको आप जानते हैं, इनमें से कोई नया व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको आप नहीं जानते, अगर आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे तो आप पे बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ये परिस्थिति है। इसके अलावा शादियों पर प्रतिबंध तो लगा ही था, गैदरिंग पे प्रतिबंध लगा है और 2 दिन वहां पूरी छुट्टी रहेगी। हाँ सर, शादियों में प्रतिबंध है क्योंकि आप पता नहीं ना वहां उनकी शादियों में कौन आ जाए, कौन कम फट जाए, कौन बोले वो अल्लाह अकबर बोल बोल के फट जाए, कुछ नहीं पता रहता, तो इसलिए शादियों पे भी हमने प्रतिबंध लगा दिया, पूरी एक्टिविटी बंद है, तो उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया, पूरी एक्टिविटी लाइफ बिजनेस सब बंद है। और ये जो हम मानते थे कि क्या सिविलियंस की मूवमेंट पे भी प्रतिबंध लगेगा, जी 144 लगा दिया है। अब डेवलपमेंट क्या है, रशिया का 76 मेंबर का डेलीगेशन उतर गया है,
भारत का भी कुछ 10-15 मेंबर का कुछ डेलीगेशन उतरा, शायद डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं उतरे हैं। पर एक टिप्पणी यहाँ कर दूं, आज डॉक्टर जयशंकर साहब को पूछा, चीचिंग पे नहीं है वहां पे, तो वो ले चियांगे ली क्वांग गया, ली क्वांग गया, ली क्वांग, ली क्वांग गया है वहां पे, चियांग बोलते क्वांग 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 तो वो गया सर वहां पे, और चीनियों की डेलीगेशन आई, ईरान से 4 मेंबर की डेलीगेशन आई, अजरबैजान से भी कोई 4-1 मेंबर की डेलीगेशन आई है। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब का एक वक्तव्य आया था पीछे, तो उनसे भी पूछा गया कुछ देर पहले कि आर यू ऑल सेट फॉर पाकिस्तान, उन्होंने कहा दैट 24 आवर्स टू गो, तो मतलब क्या डॉक्टर साहब जाएंगे नहीं जाएंगे पे वो कितने से एक वर्ड शुरू होता है, के से शुरू होता है, डी से खत्म होता है, बाकी मैं बीच का कुछ नहीं बोल रहा, लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। के से शुरू होता है, डी से खत्म होता है, चार अल्फाबेट आते हैं उसमें, कहीं ये तो नहीं हो रहा इनके साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब एट मोमेंट पे कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ आने का तो सिस्टम ही नहीं है, वैसे इनके यहाँ ऑन ए सीरियस मोड परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है, हालत इनकी खराब है। मैं आपको पूरा डिटेल में ले जाऊंगा, ये इन्होंने अपनी तरफ से तैयारी की थी, छावनी में तफलील कर दिया, कह रहा कुछ भी नहीं आने देंगे, सब करेंगे। इस सब के होते हुए कराची प्रेस क्लब के बाहर, कराची पोर्ट के बाहर, कराची में प्रोमिनेंट जगहों के बाहर अभी पुलिस और लोगों की भिड़ंत हो रही है, टेयर गैस चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, हालत खराब हो रही है वहां पे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और आज आप सुनिए 3 बड़े हमले जो हुए पाकिस्तान में। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई है, इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है, और गुस्से में आके उन्होंने इंडिया कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है, और ये समझ लें कि इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से, यानी कि चार्ज डी अफेयर्स। अब हुआ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, ही इज़ ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक इन्वेस्टिगेशन जो इंडिया कनाडा ने की है। अब हुआ ये है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आई है, और उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इट मीन्स के जस्टिन ट्रूडो जो है वो टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। इंडियंस कहते हैं ये एलिगेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो यह है कि जो कैनेडियन चार्ज पेयर है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं, इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं ऑफिशियल जो कनाडा में हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं, और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है, और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती, और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी के ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे, और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जो कैनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं, और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया।